હેલો, કેમ છો બધા? સ્વાગત કરું છું તમારા સૌનું મારી આ ચેનલમાં, જેનું નામ છે વોઇલા વોઇસ ઓફ ઈલા અનંત આચાર્ય ઓર અપ હિન્દી મેં. તો આજ કા ટોપિક હૈ ગ્રેટિટ્યુડ વોક ઓર ગ્રેટિટ્યુડ ડાન્સ. જી હા, થોડી સે રેન્ડમ સિરીઝ ચાલ રહી હે. કભી મેનિફેસ્ટેશન કા એકાદ એપિસોડ ડાલ રહી હું, કભી એસે હી થોડા મોટિવેટેડ મોટિવેશન કરને કે લિયે, કભી ઇન્સ્પાયર કરને કે, કભી લો ઓફ અટ્રેક્શન કે રિલેટેડ કોઈ સ્પેસિફિક ટેકનિક ડાલ રહી હું, કભી એબ્રામ હિક્સ કા કુછ ડાલ રહી હું. મજા આ રહા હૈ અપને હિસાબ સે, અપને ફ્રીડમ સે કરને કા, ઇસલિયે યે ચેનલ મેને શુરુ કિયા થા. એની વે, તો ટોપિક હૈ ગ્રેટિટ્યુડ વોક યા ગ્રેટિટ્યુડ ડાન્સ. તો જૈસે હી ગ્રેટિટ્યુડ footsteps या gratitude walk या gratitude journal होता है कि आपको gratitude मतलब thankful रहना, grateful रहना, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए आपको thank you बोलना, ये हम बोल सकते हैं या लिख भी सकते हैं gratitude journal में. और उसके लिए द मैजिक बुक बाय रोंडा ब्रायन में और एक फेमस टेक्निक है जिसको वो ग्रैटिट्यूड फुटस्टेप या मैजिकल फुटस्टेप, यस मैजिकल फुटस्टेप्स ऐसा नाम दिया है, तो उसी का नाम है ग्रैटिट्यूड वॉक या ग्रैटिट्यूड फुटस्टेप्स. तो अर्ली इन द मॉर्निंग नॉर्मली जब भी आप उठते हैं, चाहे वॉक पे जाते हैं या मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करने के बाद या उससे पहले आप अगर वॉक पे जाते हैं तो उसको ग्रैटिट्यूड वॉक बना लीजिए. तो ग्रैटिट्यूड वॉक में आपको करना क्या है, आपको जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, बहुत दिल से बोलना है, फेक आउट नहीं करना है, बोलना है यूनिवर्स थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग, थैंक यू सो मच दैट आई एम अलाइव टुडे, थैंक यू सो मच दैट आई एम फीलिंग हेल्दी एंड हैप्पी टुडे. अगर आप हेल्दी हैप्पी है तो, अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे थैंक यू कि आज मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे. उस चीज़ को ढूंढेंगे जो आपके लाइफ में अच्छी है. आप बोलेंगे थैंक यू दैट आई वॉज एबल टू हैव अ टी टूडे, मेरे घर पे फ्रिज है, फ्रिज में दूध है, दूध में मैंने अच्छे से चाय बनाई और चाय के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच के जब आई गॉट टू फ्रेश आउट, मैंने नल खोला तो पानी आ रहा था, वाव, और मैं अच्छे से ब्रश कर पाई, फ्रेश हो पाई, आराम से हम लोग अब ग्रैटिट्यूड वॉक है तो आज मैं इस वॉक पे आ रही हूँ तो वॉक कर पा रही हूँ, आई एम लविंग दिस नेचर. अगर आप बिल्डिंग के नीचे वॉक कर रहे हैं तो आप देखिए थैंकफुल होइए कि हर एक जो भी है आपके आसपास, पेड़ पौधे, बर्ड्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, जो चीज़ है आपके आजू बाजू उसके लिए थैंकफुल रहिए. और आपके पास दूसरा कुछ है, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन है उसके लिए थैंकफुल रहिए, आपके पास मोबाइल में इंटरनेट है उसके लिए थैंकफुल बोलिए. यानी आपको जो भी चीज़ है विच यू थिंक विच इज़ गुड इन योर लाइफ, तो अगर आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड बोलेंगे, उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, जेन्युइनली फील करेंगे, तो आपका जो लैक पार्ट है, जो चीज़ आपके पास नहीं है, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है या रिलेशनशिप है, वो स्लोली स्टेडीली आपके लाइफ में आती रहेगी. तो ग्रैटिट्यूड वॉक में पहले तो आप अपने पास जो है उसके लिए थैंकफुल बोल सकते हैं. और आप थोड़े से अफर्मेटिव है, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक व्यू वाले हैं, तो आपको जो चाहिए ना उसके लिए भी पहले से आप थैंक यू बोल सकते हो. दिस इज़ माय वर्जन. मतलब मुझे तो, मैंने जब मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा जो जर्नी शुरू किया था तो मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने से शुरू किया था. हर रात सोने से पहले एक पेज लिखना और उसमें मैंने हमेशा जो चीज़ है पहले उसके लिए एक पैराग्राफ लिखना, क्या आई हैव माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई जॉब, आई हैव दिस ब्यूटिफुल लाइफ, उसके लिए मैंने थैंक यू बोला. फिर मुझे जो चाहिए था, जो भी मेरा गोल था, वो मैंने उसके लिए मैंने थैंक यू लिखना शुरू किया इन द प्रेजेंट टेंस, इन द प्रेजेंट टेंस. फिर वो सारी चीज़ें जब मेरे लाइफ में आई, सो दैट बिकम्स नाउ माई रियालिटी. तो वो वाइब्रेशनल रियालिटी थी तब, अब मेरी करंट रियालिटी है. तो वही चीज़ ऑफ ग्रैटिट्यूड वॉक, चलते 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 आप मन में बोले. कभी कई लोग आजकल तो ज़ोर से भी बोलते हैं बहुत, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है, एवरीबॉडी फील्स इट्स ओके, इट्स फाइन. तो आप गार्डन में चलते चलते, अपने घर में वॉक करते करते, घर के नीचे जो भी आपका कंपाउंड है, जो भी आपका एरिया है, वहाँ पे वॉक करते करते आप ये ग्रैटिट्यूड बोल सकते हैं, फील कर सकते हैं. और ग्रैटिट्यूड डांस का भी सेम है. आप
अच्छे से कोई अच्छा गाना लगा ले, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, एंड इफ़ यू लव टू डांस यू कैन स्टार्ट डांसिंग विथ दिस अमेजिंग फीलिंग कि हाँ आपको आपके पास इतना सब कुछ है, और ऑल्सो विद द अमेजिंग फीलिंग दैट वो आपको जो चाहिए ना वो भी आपको मिल गया है, उसके खुशी के साथ आप ग्रेटिट्यूड डांस भी कर सकते हैं. सो ट्राई दिस आउट बिकॉज आई बिलीव ये करने से बहुत बहुत फ़ायदा होता है. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हूँ कि जिसने ग्रैटिट्यूड लिख के अपने लाइफ को अच्छे से चेंज किया है. सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय.